सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फ्रेंड टेक्निकल अजमेर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने हैं रियलमी स्मार्टफोन के बारे में, रियलमी के UI 6.0 एंड एंड्रॉयड 15 लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड इसके साथ हम बात करने वाले हैं डिवाइस लिस्ट नेम। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सा डिवाइस को देखने को मिलने वाला है और कौन कौन सा डिवाइस को मिल चुका है, यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉयड 15 लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पर कन्फर्म आपको डेट बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर Realme का UI 6.0 में क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या क्या यहाँ पर आपको ऐड देखने को मिलने वाले हैं, कम्प्लीटली यहाँ पर Android 15 डिवाइस लिस्ट नेम आपको बताने वाला है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिपोर्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग Realme का स्मार्टफोन यूज करो, चाहे आप लोग Realme Narzo और भी डिवाइस होते हैं, Realme के सब डिवाइस के नाम आप लोग को बताने वाला हूँ Android 15 के बारे में एंड यहाँ पर Realme UI 6.0 के बारे में। कुछ तो डिवाइस को यहाँ पर मिल चुके हैं, उसका भी नाम आपको बताने वाला हूँ, कम्प्लीटली यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेरे पास Realme का 11 Pro 5G फोन है। इस फोन में अभी तक यहाँ पर मई का अपडेट भी नहीं आया है, यहाँ पर अभी जून चल रहा है, तो जून का भी अपडेट अभी देखो आता है या नहीं आता है। कम्प्लीट यहाँ पर मैंने कुछ कंप्लेन भी डाला था यहाँ पर, तो अभी तक यहाँ पर फोन में नहीं आ रहा है, क्योंकि हीटिंग प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो यहाँ पर पहले सेटिंग के अंदर आपको चलकर दिखाता हूँ। अब जैसे मेरे पास Realme के 11 Pro 5G फोन है, तो यहाँ पर मैंने सेटिंग के अंदर आ चुका हूँ और इसके अबाउट डिवाइस के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कोई लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर मिलता है Realme UI 5.0 का ऑफिशियल वर्जन यहाँ पर रन कर रहा है, और इसके अंदर अभी तक कोई भी अपडेट यहाँ पर मई का सिक्योरिटी पैच भी देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अप्रैल का सिक्योरिटी पैच। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अप्रैल का सिक्योरिटी पैच इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो 5 अप्रैल 2024 का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच इसके अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर Realme का डिवाइस है, तो फाइनली अगर आपको Android 15 के बारे में बात कर रहा हूँ या Realme UI 6.0 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रिलीज होगा या नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर जो कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो कि Realme की तरफ से यहाँ पर Realme ने जो कि बहुत स्लो अपडेट देती है, एंड यहाँ पर मेरा अनुमान है, जैसे कि यहाँ पर और भी जो कंपनी है उसमें फास्ट अपडेट मिलते हैं, लेकिन Realme के अभी तक अपने अपडेट के लिए जो कि सुधार करना चाहिए और सभी डिवाइस को हर मंथ में सिक्योरिटी अपडेट को प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि फ़ोन को हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अपने फ़ोन में जो हीटिंग देखता है और हैंग करता है फ़ोन, उसे तो यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए Realme को। मेरे तरफ से यहाँ पर कुछ कंप्लेन है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके का मिल जाता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कि मेरे पास Realme का 11 Pro 5G फ़ोन है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो जो कि हीटिंग ज़्यादा ही होती है और हैंग भी करता है, और ये फ़ोन 25,000 का आता है जो कि यहाँ पर। तो इसमें आप लोग को बताने वाला हूँ पहले हम Android 15 लेटेस्ट अपडेट के बारे में, चूँकि यहाँ पर एलिजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको जाना है नीचे, दिखा देता हूँ, कम्प्लीटली ब्राउजर के अंदर मिल जाता है डिस एंड रियलमी फोन्स एंड गेट रियलमी UI 6.0 एंड्रॉयड 15 अपडेट। तो यहाँ पर आपको डिवाइस लिस्ट नेम मिल जाता है, और यहाँ पर आपको Realme Android 15 एलिजिबल डिवाइस, यहाँ पर आपको Android 15 लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताया गया, जो देख सकते हो यहाँ पर। और कम्प्लीटली यहाँ पर आपको आ जाना नीचे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर Realme फोन एलिजिबल फॉर डिस, यहाँ पर आपको मिल जाता है Realme 5.0 Android 15 बेस्ट अपडेट। तो यहाँ पर Realme का Realme GT 5 यहाँ पर आपको मिल जाता है, Realme GT 5 Pro, Realme GT 3, Realme GT 2, Realme GT 2 Pro, Realme GT 2 एंड उसके बाद आपको Realme GT Neo 6, Realme GT Neo 6 SE एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर Realme GT Neo 5, Realme GT Neo 5 SE, Realme GT Neo 5 244 40 वाट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर फोन लॉन्च किया गया होगा। और उसके बाद आ जाता है हमारा Realme 12 एंड Realme 12 Plus, Realme 12 X, Realme 12 Lite, उसके बाद Realme 12 Pro एंड Realme 12 Pro Plus, जो कि इन डिवाइस को अपडेट मिल चुका है बीटा ट्रायल एंड अर्ली एक्सेस, जो कि इसके अंदर अपडेट मिल चुका है Android 15 का, लेकिन अभी तक इसके अंदर Realme UI 6.0 का अपडेट नहीं आया। तो इसमें Realme 6.0 का अपडेट भी मिलने वाला है कम्प्लीटली Realme के 12 एंड 12 Plus फोन में। तो यहाँ पर आप लोग वेट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर Realme का 11 4G एंड Realme 11 5G, Realme 11 X 5G, Realme 11 Pro, Realme 11 Pro Plus एंड Realme 10 Pro, Realme 10 Pro Plus एंड Realme का P1 एंड P1 Pro, Realme Narzo 17, Realme Narzo 70X एंड Realme Narzo 70 Pro, Realme Narzo 60 एंड Realme Narzo 60X, Realme Narzo 60 Pro एंड उसके बाद आ जाता है हमारा
रियलमी का C67 4G फोन ऐप एंड रियलमी का C65 4G फोन ऐप, उसके बाद रियलमी C65 5G फोन ऐप। तो इन सभी डिवाइस का नाम, इतने ही डिवाइस का नाम यहाँ पर दिया गया है जो कि एंड्रॉयड 15 के लिए एलिजिबल है और ये सभी डिवाइस के अंदर कंप्लीटली मिलने वाला है आपको। रिलीज किया जाएगा एंड्रॉयड 15 का अपडेट और यहाँ पर एंड्रॉयड 15 का बेटर अपडेट आप लोग को देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे जो कि हमारे फोन में तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। मेरे पास रियलमी का अपडेट है, रियलमी का फोन है 11। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ डिवाइस में तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया जो कि अलग तरीके का देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरे फोन में अभी तक मई का अपडेट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे फोन में कुछ भी चेंजेस नहीं है, कंप्लीटली यहाँ पर एंड्रॉयड 15 में कुछ नए कंट्रोल सेंटर देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपको पूरे तरीके से चेंजेस देखने मिलने वाले, नए नए फीचर्स वगैरह इसके अंदर ऐड किया जाएगा। अगर आपके पास रियलमी का जो कि फोन है तो आप लोग वेट कर लीजिएगा, एंड्रॉयड 15 आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर। कंप्लीटली रियलमी के 12 एंड 12 प्रो प्लस में लॉन्च कर दिया गया जो कि बीटा वर्जन ट्रायल के लिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कंप्लीटली। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, नीचे आ जाते हैं देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो कि आप लोग को समझ में आ जाएगा रियलमी के जो कि एंड्रॉयड 15 का अपडेट रिलीज कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं डिवाइस लिस्ट नेम एंड यहाँ पर आपको डिवाइस का नाम मिल जाता है एलिजिबल। तो आप लोग को पूरे तरीके से बताऊंगा क्योंकि जो रियलमी का हमारा फ़ोन है उसके अंदर हमें रिलीज कर दिया गया एंड्रॉयड 15 का अपडेट, मैं दिखा देता हूँ कम्प्लीटली ताकि आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, रियलमी 12 बीटा वर्जन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है एंड्रॉयड 15 टाइम बीटा 4 रियलमी 12 प्लस, यहाँ पर रियलमी 12 प्रो प्लस 5G एंड कंप्लीट ग्लोबल फॉर इंडिया इन इंडिया यहाँ पर यूजर्स। दोस्तों यहाँ पर इंडिया यूजर्स के लिए यहाँ पर रियलमी के 12 में यहाँ पर रिलीज कर दिया गया एंड्रॉयड 15 का बीटा वर्जन जो कि अर्ली एक्सेस के लिए यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और इसके APK भी यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में। यहाँ पर जाओगे इसका वर्जन भी आप लोग मिला सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कम्प्लीटली, यहाँ पर आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और इसके अंदर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर जो कि मैंने आप लोग बता दिया जो अपडेट है यहाँ पर रियलमी का 12 प्लस प्रो फोन में यहाँ पर रिलीज कर दिया गया। तो अगर आप लोग के पास रियलमी का डिवाइस है, आप लोग वेट कर रहे हो रियलमी UI 6.0 एंड एंड्रॉयड 15 लेटेस्ट अपडेट के लिए, फाइनली दोस्तों आप लोग का इंतजार खत्म होने वाला है, कंप्लीटली आप लोग को भी देखने को मिलने वाला है अर्ली एक्सेस के अंदर ट्रायल वर्जन में बीटा वर्जन। तो फाइनली दोस्तों आप भी जाकर अपने फोन को अपडेट कर पाओगे। तो फाइनली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।